महाभारत के छठे दिन का युद्ध बड़ा ही भयंकर था। इस दिन पांडवों की ओर से मकव्यूह तथा कौरवों की ओर से क्रौंचव्यूह का निर्माण किया गया। युद्ध की शुरुआत से पूर्व ही शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि बड़ी जोर जोर से हो रही थी। इन सबका सम्मिलित शब्द सब ओर गूंज उठा था। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, महाबाहो तुम शत्रुनाशक मकव्यूह की रचना करो। मकव्यूह की रचना के बाद उसके मस्तक के स्थान पर राजा द्रुपद तथा पांडु पुत्र अर्जुन खड़े हुए। महारथी नकुल और सहदेव नेत्रों के स्थान में स्थित हुए। महाबली भीमसेन उसके मुख की जगह खड़े हुए। अभिमन्यु द्रौपदी के पांच पुत्र घटोत्कच सात्यकी और युधिष्ठिर ये उस मकव्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। सेनापति विराट विशाल सेना से घिरकर धृष्टद्युम्न के साथ उस व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। पांच भाई के राजकुमार मकव्यूह के वामपार्श्व में खड़े थे। नरश्रेष्ठ धृष्टकेतु और पराक्रमी चेकितानीय व्यूह के दाहिने भाग में स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे। उसके दोनों पैरों की जगह महारथी कुंतीभोज और विशाल सेना सहित शतानी खड़े थे। सोमकों से घिरा हुआ महाधनुर्धर शिखंडी और बलवान इरावान ये दोनों उस मकव्यूह के पुच्छ भाग में खड़े थे। पांडवों के मकव्यूह को देखकर भीष्म ने उसके मुकाबले में अपनी सेना को महान क्रौंच व्यूह के रूप में संगठित किया। उसकी चोंच के स्थान में महाधनुर्धर द्रोणाचार्य सुशोभित हुए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य नेत्रों के स्थान में खड़े हुए। काम्बोज और बाल्हिक देश के उत्तम सैनिकों के साथ समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ नरप्रवर कृतवर्मा व्यूह के सिरोभाग में स्थित हुए। राजा शूरसेन तथा दुर्योधन ये दोनों बहुत से राजाओं के साथ क्रौंच व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुए। मद्र सौवीर और केकई योद्धाओं के साथ विशाल सेना से घिरे हुए प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उस व्यूह के वक्षः स्थल में स्थित हुए। त्रिगत के राजा सुशर्मा कवच धारण करके अपनी सेना के साथ व्यूह के वाम पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। तुषार यवन और शक सैनिक व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर स्थित हुए। श्रुतायु शतायु तथा सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ये परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुए व्यूह के जघन प्रदेश में स्थित हुए। छठे दिन के इस भयंकर युद्ध के बाद द्रोणाचार्य का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे धांधस बंधाते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। इस दिन के युद्ध में दोनों ही पक्ष ने डटकर एक दूसरे का उत्साहपूर्वक मुकाबला किया।